भ्रष्टाचार की दुकान है कांग्रेस। उन्होंने 70 साल किया, उसको पता है मेरा बेटा किसी काम का नहीं है। पप्पू है तो पप्पू तो पप्पू ही रहेगा ना, उसका काम है इटली इंडिया नहीं, उनका कोई काम नहीं है। वो विदेशों में जाके ही उन्होंने ये सब धंधा करना है, वो यहाँ पे उनका कोई काम नहीं है। वो लिप्त है वो भ्रष्टाचार में, कुछ ना होने वाला। 2024 के करे चाहे 2027 की करे, वो सफाया हो चुका है उनका, अब कुछ नहीं है उनके हाथ में। अरे भाई, एजेंसियों ने कहा था क्या कि 300 करोड़ रुपए अपने घर में रखो, या भाजपा के लोगों ने कहा था? वो 300 करोड़ कहाँ से आया बताए ना, किसी को भी इतना पैसा घर में रखने का अधिकार नहीं है, तो इसका जवाब दे ना राहुल गांधी के पास। तो भारत की जनता के लिए समय कहाँ, इसलिए जनता उनको जवाब देती जा रही है। 3 राज्यों का चुनाव है, आपने देखा होगा। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है, जो धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, तीसरी बार के राज्यसभा सांसद, 300 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है, नोटों की गिनती अभी भी जारी है, जिन्होंने अपने हलफनामे में दिया था कि मेरे पास केवल 15 लाख रुपया है और 300 करोड़ से ज्यादा मिल चुका है। ये बात करते हैं, हमारे साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता मौजूद है। क्या कहेंगे यहाँ पर, जो हलफनामा उन्होंने दिया था उसमें था कि मेरे पास केवल 15 लाख है और पूरे परिवार के पास केवल 27.5 लाख कैश है, बैंक खातों में केवल 8 करोड़ है, और इतना बड़ी संख्या में यहाँ पर नोटों का जखीरा मिलना, क्या कहेंगे? वो शुरू से ही भ्रष्टाचारी है, तो उनके घर में यही सब निकलना है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए किया ही कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, ये दबे हुए नोट अभी निकलेंगे, अभी मोदी जी निकालेंगे उसको। लेकिन राहुल गांधी तो विदेश में घूम रहे हैं, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी की तरफ। उनका काम ही है विदेश में घूमना, वो है ही विदेशी, वो तो पता नहीं इंडिया में कर ही क्या रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है। वो विदेशों में जाके ही उन्होंने ये सब धंधा करना है, वो यहाँ पे उनका कोई काम नहीं है, वो लिप्त है वो भ्रष्टाचार में। लेकिन वो तैयारी तो 2024 की कर रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। होने वाला कुछ ना होने वाला, 2024 के करे चाहे 2027 की करे, वो सफाया हो चुका है उनका, अब कुछ नहीं है उनके हाथ में। गठबंधन तो किया था ना, 25 प्रधानमंत्री बन रहे थे ना, पनौती भी पता है, लेकिन क्या हुआ, सबके कोलपट्टी गुम हो गई और सच्चाई सामने आ गई, सरकार किसकी बनी, मोदी जी की। तो पनौती और जो 25 प्रधानमंत्री उनका चेहरा भी क्लियर हो चुका है, तो भ्रष्टाचार की दुकान है कांग्रेस। उन्होंने 70 साल किया, उसको पता है मेरा बेटा किसी काम का नहीं है, पप्पू है तो पप्पू तो पप्पू ही रहेगा ना, उसका काम है इटली इंडिया नहीं। हमारा देश तो भारत देश है सोने की चिड़िया, तो उसमें सोने के लोग रहना चाहिए, मिट्टी के नहीं, तो इसको अपना देश ही जाना चाहिए, इसको वहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी ईडी इसमें कार्रवाई कर सकती है, वो भारत जोड़ो यात्रा तो निकली मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, सब जगह। सर उसका रिजल्ट सामने आ गया है, पब्लिक जानती है सच्चाई क्या, दिखावा क्या, उसको गर्मी नहीं लगती, आम इंसान को गर्मी नहीं लगती। हम इंसान है, हम जानवर नहीं है जो हमें गर्मी लगती है, सर्दी, वो कहता मुझे ठंड नहीं लगती, भरी सर्दी में ऐसे घूमा। अरे आम जनता बन, स्पेशल मत बन, मोदी जी आम जनता के साथ आम जनता बनकर रहते हैं, तो ये सबको पता है, दिखावा क्या, सच्चाई क्या। सब अभी 24 पर सबकी नजरें हैं, अभी 3 राज्य जीतने के बाद क्या लग रहा है, 24 में आसान है बीजेपी के लिए जीतना या कड़ी टक्कर मिलने वाली है? कड़ी टक्कर कुछ नहीं होने वाली, सबको सच्चाई पता चल गई है, 3 जो राज्यों का रिजल्ट आया उसी से पप्पू की सच्चाई सामने आ गई है। और मैं तो राय दूंगी सोनिया जी को कि उन्हें ना इटली चला जाना चाहिए, बेटे को क्यों परेशान करिए, उसकी शादी वादी करवाएं जाके, बेचारा कुंवारा कब तक घूमेगा, मुझे भी दया आती है, लेकिन वो है नहीं इस लायक, तो उन्हें जो भी वो कर रहे हैं ना पनौती, उन्होंने किसी हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी को बोलता पनौती, तो मैं यही कहना चाहती हूँ उनके कर्मों का फल है ये। मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मोदी जी के लिए है कि हमारे पंजाब वालों की बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी है वो सही हो, और जो मोदी जी की सरकार पंजाब में भी बने, और जो नशा मुक्त पंजाब हो, क्योंकि पंजाब का बहुत ही बेड़ा गर्क केजरीवाल कर चुका है, और ये राहुल गांधी पहले था वहाँ पे, इन्होंने नशे के अलावा कुछ नहीं करा, वहाँ पे बच्चे को नशा लगाया, इंजेक्शन में लिप्त हो चुके हैं जी। आप क्या कहेंगे यहाँ पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू, जो ये हलफनामा देते हैं, मेरे पास केवल 8 करोड़ रुपया है बैंकों में, 15 लाख है मेरे पास कैश, बस उससे ज्यादा नहीं है, और अब यहाँ 300 करोड़ से ज्यादा कैश, 3 सोने से भरे बैग, क्या कहेंगे इस पर? मैं बताना चाहूंगी कि बरसों पहले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री
राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं केंद्र से एक रुपया भेजता हूं और देहात में जाके वो 15 पैसे पहुंचता है, तो वो 85 पैसे कहाँ चला जाता है? यही धीरज साहू जैसे लोगों के पास से वो 85 पैसे निकल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा क्या कहेंगे यहाँ पर? राहुल गांधी तो विदेश में है, कांग्रेस का कोई नेता कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा इस पर। ये पार्टी बिल्कुल भी भ्रष्ट हो चुकी है, इसका अब कोई मतलब स्टार्ट और एंड कुछ भी नहीं बचा है, केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये भी कह रहे हैं 24 से पहले जान पूछ करके करा जा रहा है, मोदी को जिताने के लिए सारी एजेंसियां हमारे पीछे लगा दी गई। पहले भी वही एजेंसी काम करती थी, पहले के प्रधानमंत्री जब थे तब भी वही एजेंसी थी और अब भी वही एजेंसी है, सिर्फ प्रधानमंत्री बदले हैं। और प्रधानमंत्री की गारंटी देखो, कोई भी भ्रष्टाचारी देश में बचने नहीं पाएगा, ये मोदी जी की गारंटी है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है। दरअसल धीरज साहू कांग्रेसी सांसद, 300 करोड़ अभी वो आंकड़ा सामने आ रहा है जो मिल चुका है, 3 यहां पर ज्वेलरी के बैग मिल चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए हलफनामा जो अभी उन्होंने दिया था, उसमें तो कहा था मेरे पास केवल पूरे परिवार के पास 27.5 लाख रुपया कैश है और 8 करोड़ मेरे पास बैंक खातों में, बस उससे ज्यादा पैसा नहीं है, और इधर तो कहानी कुछ और निकल रही है। बिल्कुल, हम तो हमेशा कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कहता है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, और अभी नहीं, इनकी लंबी फिरिस्त है। इनके 70 साल के शासन में जनता को कुछ नहीं मिला, इनके नेताओं के जेब में भरी गई और इनके अपने खुद की जेब भरने के सिवा कोई काम। किसके घर में 300 करोड़ रुपया मिलता है साहब? लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा, वो मोदी की गारंटी है, वो उसकी शुरुआत है। और सभी कांग्रेसी नेताओं जो इस करप्शन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको जेल भेजना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे सड़कों पर लड़ाई लड़ता रहे। कांग्रेस के नेताओं ने तो फिलहाल चुप्पी बनाई हुई है, राहुल गांधी तो विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन फिर वो यही कहेंगे हमारे पीछे एजेंसियां लगा दी, चुनाव आ रहा है एजेंसी लगा देते हैं हमारे पीछे। अरे भाई, एजेंसियों ने कहा था क्या कि 300 करोड़ रुपया अपने घर में रखो? या भाजपा के लोगों ने कहा था? वो 300 करोड़ कहां से आया बताए ना, किसी को भी इतना पैसा घर में रखने का अधिकार नहीं है, तो इसका जवाब दे ना। राहुल गांधी के पास तो भारत की जनता के लिए समय कहाँ, इसलिए जनता उनको जवाब देती जा रही है। 3 राज्यों का चुनाव आया, आपने देखा होगा, इसलिए देश की जनता को सब पता है कि कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा होती जा रही है, कांग्रेस की दुर्दशा होती जा रही है। और इसीलिए भ्रष्टाचार तो साफ साफ रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ बैंक की जो डिटेल दी गई कि हमारे पास केवल 8 करोड़ रुपया है खातों में, केवल 15 लाख रुपया कैश हमारे पास मौजूद है, पूरे परिवार के पास केवल 27.5 लाख रुपया कैश है, तो फिर ये 300 करोड़ रुपया कहाँ से आया, सवाल तो उठेगा। और जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, अब ईडी भी जो है इस मामले में उसकी एंट्री होने वाली है, और फिर से आपको विपक्ष की तरफ से सुनने को मिलेगा कि हमारे पीछे जांच एजेंसियां लगा दी, लेकिन अपने भ्रष्टाचार पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। बहरहाल देख सकते हैं अभी आप विजुअल्स में, पूरे देश भर से आज यही विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आज बीजेपी जो है वो सड़कों पर उतरी हुई आपको नजर आएगी। गली गली में शोर है, एक बार लगेगा राहुल गांधी शोर है, गली गली में शोर है, शोर है, गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है। आप सोनिया गांधी के लिए गली गली में शोर है, सोनिया गांधी चोर है, गली गली में शोर है, सोनिया गांधी चोर है। अब इटली वाली गली गली में शोर है, इटली वाली चोर है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की।